जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप 11th का फिजिक्स शुरू करते हैं तो 11th का फिजिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है मैकेनिक्स वन, दूसरा पार्ट है मैकेनिक्स टू। मैकेनिक्स वन को मोटा मोटा तो मान सकते हो कि पहले तीन चैप्टर तो बेसिक मैथ ही होते हैं, मतलब पहला बेसिक मैथ पूरा हो गया, वेक्टर भी बेसिक मैथ ही हुआ, मैथ ही तो है वेक्टर, लेकिन उसको हम टॉपिक बड़ा है तो वेक्टर के नाम से बोलते हैं, लेकिन वो बेसिक मैथ है। जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं उसको मैथ के सेक्शन में तो वेक्टर पढ़ते हैं। तो और दूसरा यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में बेसिक मैथ ही है, आपको फिजिक्स का फॉर्मूला आना चाहिए, उसके बाद जब आप डायमेंशन निकालेंगे तो मैथ ही तो करते हो, एरर में पूरा मैथ ही तो करते हो। तो ये सारे मैथ के पार्ट हैं। कितने किसके पार्ट है बेटा? मैथ के पार्ट है। तो आप एक चीज समझिए कि जब हम 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें पहला तीन चैप्टर तो बेसिक मैथ ही हटा दो, उसके बाद मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से लेकर के रोटेशन तक बहुत कंसेप्चुअल चीजें हैं। इसमें आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो, बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हो, बेसिक थ्योरी पढ़ते हो, और उसके बाद आप सवाल करते हो और सवाल के थ्रू आपका कंसेप्ट और बिल्डअप होता है। इक्वेशन और मोशन वही तीन चार हैं, लेकिन जब सवाल करने जाते हो तो अलग अलग सवाल के सिचुएशन को देख के समझ के फिर सवाल को आप सॉल्व करना सीखते हो, मतलब सवाल से ही और आपकी थ्योरी की प्रैक्टिस होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेकर के रोटेशन तक का जो पार्ट है उसमें फॉर्मूले हैं कम, लेकिन सवाल में होते हैं दम। तो जितनी ज्यादा अच्छे से सवाल की प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, उतना ज्यादा आपका आगे का कंसेप्ट बिल्डअप होगा। मोशन स्ट्रेट लाइन से नीट में कितने सवाल आते हैं, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोशन स्ट्रेट लाइन में जो आप वेलोसिटी, मोशन, एक्सीलरेशन, यू टर्न, इन सब चीजों को, स्टेट को समझते हो, और वही आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं। फिजिक्स है तो मोशन होगा, मोशन होगी तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन उससे एसोसिएटेड होगा, ऑब्जेक्ट चलेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट पता होनी चाहिए। तो इसलिए जो स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं जो धीरे धीरे करके हमें थोड़ा भले ही दो लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन अच्छे से इसलिए पढ़ने चाहिए कि इससे सवाल भी आते हैं और एज वेल एज ये ऐसे सेक्शन होते हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप यहां पर रेक्टिफिकेशन ना लगाएं, चीजों को विजुअलाइज करें और ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, बचे नहीं, भागने की कोशिश ना करें, छोड़ने की कोशिश ना करें, हारने की कोशिश ना करें, जान लगा के कंसेप्ट समझे, रटने की कोशिश ना करें। रटे वही जो मैं एक दो चीजें बोलता हूं, रेशियो वगैरह या ये केस स्पेशल है उसको ही सिर्फ याद करने की कोशिश करें, जो मैंने रिकमेंड नहीं किया उसको रटने की कोशिश ना करें। डायरेक्टली आंसर रट लोगे, दो से चार हुआ तो चार से आठ हो जाएगा, चलो आठ आंसर। बहुत ज्यादा रटोगे सवाल नहीं कर पाओगे। ये काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, ये रटने की चीज ही नहीं है। जितना अच्छे समझोगे उतने सवाल हो जाएंगे। आपको कैसे कितना समझे बहुत। तो एक और खास बात बता देता हूं, बायो सुन, ये ऐसी चीज है ना कि आज पढ़ ले, अच्छे समझ ले और सीधा जाके मार्च में खोलना तो भी तेरे से सवाल होंगे, गारंटी देता हूं ये चीज का। जितने अच्छे से मेहनत करके समझ लोगे, सीख लोगे, धीरे धीरे करके कंसेप्ट बिल्डअप कर दोगे, बीच में बंद कर देना, सीधा मार्च में खोलना, सारे सवाल हो जाएंगे। ये इसकी ब्यूटी भी है, ये फिजिक्स की ब्यूटी है कि इसको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़े थोड़े बीच में फॉर्मूला थोड़ा देख लेना, सवाल कैसे हो रहा देख लेना, इसमें भूलोगे नहीं। एक बार कंसेप्ट जो सीख गए वो सीख गए, भूलोगे नहीं। अलग अलग तरीके होते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने के, ये फिजिक्स का तरीका है। भले ही समय लगता है, प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, लेकिन हम चीजें अच्छे से जब सीख जाते हैं ना तो कम। अब बहुत लोगों ने सर ऐसा नहीं होता है, रिवीजन करना होता है। मैं मना नहीं कर रहा रिवीजन करने के लिए, करिए, टेस्ट होगा तो रिवीजन करोगे, देख के जाओगे। ये दूसरे शब्दों में समझना कि ऐसी चीजें हैं जो एक बार कंसेप्ट फील आ जाए ना तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती है।